बिसमिल्ल इराहमान इराहीम कैसे हैं आप लोग उम्मीद है आप सब ठीक होंगे आज हम चिकन पामजोन बनाएंगे और उसके मैरिनर सॉस के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए हैं वो मैं आपको बताती हूँ एक छोटा ऑनियन है जिसे मैंने फ़ाइनली चॉप कर लिया है दो ग्रीन चिल्लीज़ हैं जिन्हें मैंने फ़ाइनली चॉप कर लिया है ये ऑप्शनल है आप डालना चाहें तो डाल लें एक टी गार्लिक की पेस्ट है एक टीन मैंने चाप टमाटो लिया है आप फ्रेश टमाटो भी यूज़ कर सकते हैं आधी टी स्पून नमक है आधी टी स्पून और है आधी टी स्पून काली मिर्ची पाउडर है और दो टेबल दो टेबल स्पून मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करूँगी ऑयल को गर्म कर लिया है अब इसमें ओनियन डालेंगे और ओनियन को दो तीन मिनट के लिए सौटे करेंगे अब गार्लिक डालेंगे और गार्लिक को एक मिनट के लिए सौटे करेंगे टमाटो डालेंगे ग्रीन चिल्ली डालेंगे और सारी सीजनिंग डाल देंगे और इसको बॉईल लेके आएंगे। बॉईल आ गया है अब इसको कवर करके पंद्रह मिनट के लिए सिमर करेंगे पंद्रह मिनट हो गए हैं अब मैं हीट ऑफ कर रही हूँ और इसको चापर में डाल के तो इसको ब्लेंड करके इसकी सॉस बना लेंगे चिकन पामजन के लिए जो बाकी इंग्रीडियंट चाहिए हैं वो मैं आपको बताती हूँ ये मैंने कुछ चिकन ब्रेस्ट ली हैं जिन्हें मैंने थिनली स्लाइस कर लिया है आधा कप ब्रेड क्रम्स हैं आधा कप प्लेन फ्लावर है आधी चमची काली मिर्च है आधी चमची नमक है एक अंडा है जिसमें मैंने दो टेबल स्पून दूध डाला है आधी चमची चिल्ली फ्लेक डाले हैं और पिंच नमक डाल के बीट कर लिया है आधा कप आमजन चीज़ यूज़ करेंगे और टॉपिंग के लिए ये कुछ मोर्चा चीज़ है चड़े चीज़ है और दो तीन टेबल स्पून ऑलिव ऑयल है फ्राई करने के लिए सीज़निंग को अच्छी तरह फ्लावर में मिक्स कर लेंगे ब्रेड क्रम्स में पामजन चीज़ मिक्स कर लेंगे चिकन को सबसे पहले फ्लावर के साथ अच्छी तरह कोट करेंगे दोनों साइड से फिर इसको अंडे में ट्रांसफ़र करेंगे और दोनों तरफ से अच्छी तरह अंडे के साथ कोट करेंगे फिर इसको ब्रेड क्रम्स और पामजन चीज़ के मिक्सचर में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको दोनों साइड से अच्छी तरह कोट कर लेंगे इसी तरह मैं अपना सारा चिकन कोट कर लूँगी ऑयल को पैन में गर्म करेंगे चिकन डालेंगे और मीडियम हीट पे इसको शैलो फ्राई कर लेंगे एक साइड से दो तीन मिनट के लिए फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन हो जाए आप टर्न करेंगे और इसको दूसरी साइड से भी तीन मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे हाँ मैं इसको रिमूव कर रही हूँ और इसी तरह मैं अपना बाकी सारा चिकन भी बना लूँगी चिकन को ओवन प्रूफ ट्रे में स्प्रेड कर लेंगे और ऊपर ये सॉस जो प्रिपेयर किया है उसको स्प्रेड कर देंगे चीज़ स्प्रिंकल करेंगे ऊपर काली मिर्ची पाउडर ऊपर स्प्रिंकल करेंगे मैंने ओवन को टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीट कर लिया है इसको दस से पंद्रह मिनट के लिए बेक करेंगे जब तक ये चीज़ मेल्ट हो जाए मेरा चिकन पामजन रेडी है बहुत अच्छा बना है आप भी बनाइएगा इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ अल्लाह हाफिज़